हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। दिस इज़ माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। सो अभी अभी मैं जस्ट स्कूल पहुंची हूँ और यहाँ पे सारी टीचर्स चाय पी रही हैं और अभी यहाँ पे यहाँ पे नम्रता मैम हम लोग को बता रही है कि काला साया कैसे आता है, क्या होता है। हम लोग मानने को तैयार नहीं है पर ये बहुत ही लेकिन ऐसा होता है। हाँ नहीं, सच में ऐसा होता है, पता है। काला साया जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया मगर भी इनके साया पालतू जानवर रखा है ना, अगर आपके घर पे काला साया पक्का वो बीमार रहेगा या तो मर जाएगा। जब भी पालेंगी वो मर ही जाएगा। बहुत नॉलेज है काले साया के ऊपर, किसी को जानकारी चाहिए तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ मेरे पास नुस्खे भी उसको भगाने के, और मेरे पास है कि मजाक करेंगे भूत अपने आप चला जाएगा। मैम के सपने में आई थी मैम के सपनों में भूत आते हैं। भूत नहीं कुछ तो होता है, कुछ लोग आया था। लेकिन एक तरीका होता है चेक करने का कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का। कैसे कैसे? एक कांच का बाउल है, उसमें पानी रखे, दो मैचस्टिक, दो तीली डाले, अगर वैसे आ रही है, टच हो रही है तो ये साइंस वाला एक्सपेरिमेंट है या जादू टोने वाला है? साइंस वाला भी है, जादू टोने वाला भी है। और अगर दूर जा रही है वो, तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई साया नहीं है। अगर पास आके टच हो रही है तो है, और अगर एकदम ऐसे ओवरलैप यानी क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पर टेस्ट करें? मैंने कर लिया था। कितनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर किसी को ऐसे ट्राई करना है तो कर सकते हैं। ओके बाय बाय, थोड़ी देर में फिर मिलेंगे क्योंकि आज हमारे पास कोई काम नहीं है, खाली बैठो मिल ली है। तो ये लोग इतना छिपकली से डर रही हैं, ये देखिए। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, शुभम लेने के लिए आया हुआ है। आज मैं घर जल्दी जा रही हूँ क्योंकि कुछ काम है घर पे, लड्डू को भी दिखवाना है, डॉक्टर के यहाँ पे जाना है। और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।